बर्गमैन 150 सीसी में कब आ रहा है? थोड़े थोड़े दिनों में ये सवाल फुदक कर मेरे सामने आ ही जाता है। आइए आज के छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, क्या बर्गमैन एक बड़ी इंजन कैपेसिटी में भारत में आएगा कुछ तर्कसंगत प्रमाणों के साथ। सबसे पहले ये बताइए, एक व्यक्ति एक टू व्हीलर क्यों खरीदता है? समय बचाने के लिए, राइट? जहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, मोटरसाइकिल या एक स्कूटर। अब जहां एक समय भारत में बजाज LML जैसी दिग्गज कंपनीज के स्कूटर्स की तूती बोलती थी, वहीं भारतीय मार्केट ने एक समय ऐसा भी देखा जहां मोटरसाइकिल्स ने स्कूटर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वो तो शुक्र है होंडा का, जिसके एक्टिवा और इटर्नो की वजह से ये कैटेगरी भारत में खत्म नहीं हुई। तो अगर एक नजर आज के भारतीय गियरलेस स्कूटर मार्केट पर डालें, तो सबसे पहले है 110 सीसी के स्कूटर्स, जिसमें नंबर वन पर है होंडा एक्टिवा। फिर आते हैं TVS जुपिटर डियो और हीरो प्लेजो। इसके बाद नंबर है 125 सीसी सेगमेंट का, जहां पर बड़े नाम है सुजुकी एक्सेस, एक्टिवा 125 और TVS एंटॉक। फिर हीरो डेस्टिनी, यामा रेजियार, फैसिनो और बर्गमैन की सेल भी ठीक ठाक है, और जुपिटर 125 भी लॉन्च होते ही लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट शेयर 125 सीसी से ऊपर के स्कूटर्स के पास है, जैसे वेस्पा, एप्रिलिया जैसी कंपनीज। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्कूटर्स में तो भाई 110 सीसी ही किंग है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, एक स्कूटर खरीदते समय हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? अब सब्जी खरीद कर आराम से ला सकता हूं, इसमें सिलेंडर भी आ जाएगा, हेलमेट रखने का भी कोई टेंशन नहीं। अब ये सब काम मोटरसाइकिल में तो हो सकते हैं, मगर काफी मुश्किल से। तो अगर स्कूटर को आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो वो एक यूटिलिटी व्हीकल है, लग्जरी व्हीकल नहीं। मतलब स्कूटर से शान नहीं दिखानी। अब वही दूसरी ओर कुछ इस तरीके के लोग भी होते हैं राइडिंग, जिनका पैशन होता है, चाहे बाइक हो या स्कूटर, उन्हें कुछ डिफरेंट ही चाहिए। ऐसे लोगों को सुजुकी का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि सुजुकी ने रूढ़ीवादी और भेड़चाली भारतीयों के लिए कुछ अलग करने की हिम्मत दिखाई और एक मैक्सी स्कूटर बर्गमैन को भारत में लेकर आई। अगर आप बर्गमैन को यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूटिलिटी के मामले में बर्गमैन काफी ज्यादा बेहतर है, अगर आप इसको दूसरे स्कूटर से कंपेरिजन करते हैं तो, क्योंकि इसमें आपको आगे लेगरूम भी काफी ज्यादा मिलता है, पैर रखने का स्पेस भी कंफर्टेबल है, सीट भी बड़ी और चौड़ी है, और अंडर सीट स्टोरेज भी काफी ज्यादा है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो लोग उसे एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो इंतज़ार करते हैं, पहले शर्मा जी को खरीदने दो फिर देखेंगे। मगर अब बर्गमैन को भारत में ऑलमोस्ट 4.5 साल हो चुके हैं, और अगर आप इसकी करेंट मंथली सेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब भारतीय राइडर्स का माइंडसेट और पूरा भारतीय मार्केट दोनों इवॉल्व हो रहे हैं, और लोग खुले दिल से सुजुकी की ये डिफरेंट ऑफरिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसी का फायदा उठाने के लिए कुछ और कंपनीज भी मैक्सी स्कूटर फील्ड में कूद गईं। एप्रिलिया ने लॉन्च किया 160 सीसी SXR 160, यामा ने 155 सीसी एरोक्स, और एक नई कंपनी कीवी भारत में आई 280 सीसी VSTE 300 के साथ। अब यहाँ पर एक गौर करने लायक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से एक भी मैक्सी स्कूटर 125 सीसी सेगमेंट में नहीं है। मतलब ये स्कूटर्स यूटिलिटी से ज़्यादा प्रीमियम लाइफस्टाइल सेगमेंट के स्कूटर्स हैं। तो भाई अब आता है वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कि क्या हमें बर्गमैन का बड़ा वर्जन 150 सीसी या 200 सीसी देखने को मिलेगा? आते हैं इस सवाल पर, मगर इसका जवाब देने से पहले एक और भारतीय बहुत इंपॉर्टेंट टू व्हीलर मार्केट पर नज़र डालते हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट, जिसमें काफ़ी सालों से ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक, बैनलिंग और कई सारे छोटे मोटे प्लेयर्स भारतीय मार्केट में ठीक ठाक काम कर रहे थे। मगर ओला की सेगमेंट में एंट्री होने के बाद इन कंपनीज के साथ साथ पेट्रोल स्कूटर्स का वजूद भी हिल गया है, और बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, चाहे वो टू व्हील हो या फोर व्हील, इस डायरेक्शन में सोच तो रहे हैं, क्योंकि जो इस सेगमेंट में पहले कूदेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिलने ही वाला है। इसीलिए TVS ने तुरंत लॉन्च कर दिया इलेक्ट्रिक स्कूटर IQ, और कई और कंपनीज भी इस डायरेक्शन में सोच रही हैं। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पेट्रोल टू व्हीलर का समय समाप्त हो चुका है, अब ये कुछ समय और चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी भी अपने स्टार्टिंग फेज में है और फुल फ्लैश्ड ग्रो होने में उनको काफ़ी समय लगने वाला है। और इसी वजह से TVS ने इलेक्ट्रिक स्कूटर IQ के बाद जुपिटर 125 लॉन्च किया, जो पेट्रोल इंजन में है और जिसमें उसने यूटिलिटी का भरपूर ध्यान रखा है।
अब बात आती है सुजुकी की, जिसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है जिस कारण वो भर भर के मॉडल्स लॉन्च नहीं कर पाती। जहाँ टीवीएस के पास भारत में 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वहीं सुजुकी के पास है सिर्फ 1। हालांकि एरोक्स के भारत में आने के बाद गेंद अब सुजुकी के पाले में है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बड़ा बर्गमैन अवेलेबल है जो भारत से बाहर अभी आता है, और उसको भारत में लाना इनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। मगर फिर भी मेरे हिसाब से अगर सुजुकी भारत में कोई अगला बर्गमैन लॉन्च करेगा तो वो होना चाहिए बर्गमैन इलेक्ट्रिक। मगर दुखी मत होइए, अभी भी 150 सीसी बर्गमैन की भारत में आने की उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही सुजुकी की चाइनीज पार्टनर कंपनी हाउजू ने चाइना में लॉन्च किया है UHR 150, जो 150 सीसी का एक मैक्सी स्कूटर है और हो सकता है आने वाले समय का भारत का बर्गमैन 150 हो। तो वीडियो को कंक्लूड करूंगा इस स्टेटमेंट के साथ, बर्गमैन 150 सीसी में लॉन्च होगा या नहीं इसका डिसीजन आप लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड पर बर्गमैन 125 का रियर टायर बड़ा हो गया, आप डिमांड कीजिए बर्गमैन 150 की, वो भी आएगा। उसके लिए आपको भरना पड़ेगा कमेंट सेक्शन मैसेज कर कर के, तो आप कीजिए मैसेज और मैं आपसे इजाजत लूंगा अगले वीडियो में मिलने के लिए। तब तक के लिए कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल मोटो मैटर्स एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। चले मिलते हैं बहुत ही जल्द, नमस्कार, राइड सेफ।